मुस्लिम समाज द्वारा बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम अभिषेक सराफ को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल 28 जून 2023 को स्वीडन में मुस्लिम समाज के पवित्र ग्रंथ कुरान को जलाए जाने के मामले में आज बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने जोगवाड़ा रोड से रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के पश्चात जोगवाड़ा रोड पर आकर स्वीडन का पुतला फूंका। सदर साजिद खान ने बताया कि 28 जून को स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने सलवान मोमिका नामक व्यक्ति द्वारा समूचे मुस्लिम समाज के पवित्र ग्रंथ कुरान की प्रति को जलाकर प्रदर्शन किया गया, जिसकी अनुमति स्वीडन के अधिकारियों द्वारा दी गई थी। स्वीडन के सरकारी तंत्र के संरक्षण में हुए इस घटनाक्रम में मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा, जिसकी मुस्लिम समाज घोर निंदा करता है। कुरान समाज का पवित्र ग्रंथ है। मुस्लिम समाज शांतिपूर्ण तरीके से ये मांग करता है कि भारत सरकार इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए स्वीडन सरकार उक्त आरोपी युवक पर कठोर कार्रवाई करे, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस दौरान आम मुस्लिम जमात के सदर हाजी सलीम शेख, नायब सदर अब्दुल हमीद चौहान मॉडल, जोगवाड़ा रोड के सदर साजिद खान, मोहसिन नूरी, सिकंदर नूरी, सज्जू खान, जुबैर चौहान, कमर रजा, शाहरुख शाह, अहमद खान सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज जन उपस्थित रहे। सेंधवा से अनिश शेख की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? राज मंसूरी। राज, मुस्लिम समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्या जी? 28 जून को स्वीडन देश में एक सलवान मोमिका नाम के युवक ने वहां की सरकारी एजेंसियों से अनुमति प्राप्त करके एक बीच चौराहे पर कुरान की प्रतियां जलाई गई, तो वो एक घोर निंदनीय घटना थी और पूरी दुनिया में और भारतवर्ष में सभी को जो घटना के खिलाफ मालूम आक्रोश है कि कुरान मालूम एक अच्छाई के रास्ता दिखाने वाला किताब है और आप कुरान को जला तो दोगे पर मुसलमानों के दिल से कुरान को कैसे निकालोगे। कुरान एक इंसानियत का रास्ता देता है और जो एक अच्छाई का सबक भी देता है। इस वजह से मुस्लिम समाज जन आक्रोश में कि एक पवित्र किताब जो पूरे दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान उस किताब को मानते हैं, तो उस किताब को जलाएगा, इसलिए आक्रोश था। हम एसडीएम साहब के यहाँ पे ज्ञापन देने आए थे महामहिम राष्ट्रपति साहब के नाम पे कि हमारी मांग ये है कि उस आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो भी संवैधानिक कार्रवाई है उसी की मांग करते हम, और स्वीडन से वार्तालाप की जाए कि आगे ऐसी घटना ना हो कि भाई आप ऐसी जो निंदनीय घटना करने के लिए आप मतलब परमिशंस दे रहे हो कि कुरान जलाने के लिए परमिशंस दे रहे हो एक उसे सुरक्षा के घेरे में। तो हम यही मांग करते कि उस देश से वार्तालाप की जाए राष्ट्रपति महोदय के द्वारा और ये मांग की जाए कि आगे से इस तरीके की मतलब किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए किसी भी तरीके की सुरक्षा प्रदान नहीं की जाए और परमिशन